आपको स्क्रीन पर एक फोटो दिखाई दे रही होगी और मुझे लगता है कि अगर आप राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं या फिर आप लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं, तो आप लोग इन्हें जानते होंगे क्योंकि ये हमेशा विवाद में बने रहते हैं। लेकिन ये भी मानना होगा आपको कि ये राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश के लंबे समय तक एक इन्होंने मुख्यमंत्री के पद पर भी रहे हैं। उसके बाद आप देखिए कि अभी भी ये राजनीति से रिटायर्ड नहीं हुए हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में ये कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा सांसद भी हैं। और आप देखिए कि इन्होंने कई अपने ही नेताओं को एक तरह से आउट कर दिया, लेकिन अपनी पिच बरकरार रखे हुए हैं, बनाए रखे हुए हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि इनके बारे में एक सामान्य जानकारी आपको दे देते हैं, या फिर आप लोग कह सकते हैं कि दिग्गी राजा की एक कहानी हम लोग जान लेते हैं। क्योंकि आपको बता दूं, जितना ही इनका दिलचस्प आप देखिए राजनीतिक करियर है, उतना ही इनकी लव स्टोरी भी काफी चर्चा में रही थी, आप समझ रहे हैं। तो इनके बारे में जानना हमें जरूरी भी है। तो एक बार आप लोग मध्य प्रदेश को देख लीजिए, पहले आप देखेंगे ये प्यारा हमारा भारत है, इसमें आप देखेंगे मध्य प्रदेश यानी कि बीचों बीच में आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी आप सभी को मालूम होगी कि भोपाल है, और इससे लगे हुए अगर हम लोग राज्यों की बात करें तो ऊपर आपको उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा, ये राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। आपको बता दूं कि सन 2000 के पहले जब तक छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, तब तक भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश था। अब आप सभी जानते हैं कि राजस्थान पहले नंबर पर है और मध्य प्रदेश का दूसरे नंबर पर है, क्षेत्रफल के मामले में बात कर रहा हूँ। और इसके राज्य बनाने की बात करें तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया था। और यहाँ आप लोग देखें तो विधानसभा सीटें आपको 230 देखने को मिलेगी, लोकसभा सीटों की बात करें तो 29 सीटें देखने को मिलेगी, और राज्यसभा सीटें आपको 11 देखने को मिलेगी। और आपको बता दूं कि यहाँ का हाई कोर्ट की जो मुख्य ब्रांच है वो जबलपुर है, और इसकी खंडपीठ आप देखेंगे एक तो ग्वालियर, दूसरी इंदौर है। इसलिए बता देता हूँ क्योंकि आप में से कई लोग तैयारी भी करते हैं परीक्षाओं की, तो उसमें भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते रहते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख भी लिया होगा दिग्गी राजा को, इनका पूरा नाम आप लोग दिग्विजय सिंह इनका पूरा नाम है, और अन्य नाम की बात करें तो आप लोग दिग्गी राजा के नाम से भी जानते हैं इन्हें, और अर्जुन सिंह के नाम से भी इन्हें जानते हैं। इनकी अगर हम लोग जन्म तिथि की बात करें तो 28 फरवरी 1947 को इनका जन्म होता है, यानी कि आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली उसी साल, लेकिन आप देखिए कि उस समय हमारे पास हमारे ऊपर अंग्रेजों का शासन था, उस समय इनका जन्म होता है 28 फरवरी 1947 को। और इनके हम लोग जन्म स्थान की बात करें तो इंदौर, मध्य प्रदेश, भारत, यानी कि मध्य प्रदेश का एक शहर है इंदौर, यहाँ इनका जन्म होता है। अगर हम लोग इनके पिता की बात करें तो स्वर्गीय श्री बालभद्र सिंह इनके पिता थे, और माता स्वर्गीय स्वर्गीय श्रीमती अपर्णा कुमारी इनकी माता का नाम। और अब बात आती है पत्नी की यानी कि जीवन साथी की, तो आप देखेंगे स्वर्गीय श्रीमती आशा दिग्विजय सिंह, ये इनकी पहली पत्नी थी। 1969 में इनका 69 में इनका इनकी शादी होती है, और 2013 में इनकी पहली पत्नी की डेथ हो जाती है। लेकिन आप देखते हैं कि अमृता राय से कुछ समय के लिए इनका आप देखेंगे कि एक तरह से लव स्टोरी चलती रही, उसके बाद आपने देखा है पब्लिक प्लेस में इस तरह की बातें उठने लगी, तो अमृता राय से इन्होंने 2015 में शादी कर ली, ठीक है। और इनके बच्चों की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि मंदाकिनी कुमारी इनकी एक बेटी का नाम, कर्णिका कुमारी दूसरी बेटी, और मृदिका कुमारी तीसरी बेटी, और इनका एक बेटा है जो आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश की राजनीति में काफी सक्रिय भी है, जयवर्धन सिंह, ठीक है। और आप सभी को आपको बता दूं कि अभी वर्तमान में एक कांग्रेस के विधायक भी है मध्य प्रदेश से, कौन, जयवर्धन सिंह की बात कर रहा हूं। अगर हम लोग दिग्गी राजा की शिक्षा की बात करें तो श्री गोविंद राम शेखर शेख सरिया प्रौद्योगिकी और विज्ञान संस्थान इंदौर मध्य प्रदेश से इन्होंने बीए की हुई है, यानी कि इंजीनियर है। आप लोग राजनीति का इंजीनियर कह लीजिए या लव का इंजीनियर कह लीजिए, क्योंकि आप देखिए इन्होंने दोनों एक तरह से आप कहिए कि एक तरह से झंडे गाड़े हुए हैं दोनों क्षेत्र में।
और इनके प्रोफेशन की बात करें या इनकी पेशा की बात करें, पेशा तो भारतीय राजनेता है और एक किसान भी है। किसान अब मुझे लगता है कि हटा देना चाहिए, राजनेता काफी है इनके लिए। और आप सभी जानते हैं कि इनकी राजनीतिक पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है। और आपको एक बात और बता दूं, एक कांग्रेस पार्टी वही है जो 1885 में बनी थी, सबसे पुरानी पार्टी है। लेकिन एक बात और आप लोग याद रखिए, उस समय की पार्टी कांग्रेस में और इस समय की कांग्रेस में जमीन आसमान का फर्क दिखाई देगा आपको, ठीक है। अब बात आती है इनकी रुचियों की, तो स्कूल कॉलेज स्तर पर इन्होंने हॉकी भी खेला हुआ है, क्रिकेट भी खेला हुआ है और फुटबॉल खेलना भी इन्हें पसंद है। और आपको बता दूं मंडल स्तर पर क्रिकेट भी खेल चुके हैं और राष्ट्रीय स्तर पर स्क्वाश खेलना खेल चुके हैं एक तरह से, तो काफी खिलाड़ी आप कह सकते हैं। एक उत्साही वन्यजीव फोटोग्राफर भी है, समझ रहे हैं, विभिन्न क्षेत्रों में महारत हासिल किए हुए हैं एक तरह से। खैर छोड़िए, अब आता है इनका राजनीतिक घटनाक्रम, राजनीतिक सफर। और हम लोग किसी नेता के बारे में जब बात करते हैं तो उसके राजनीतिक घटनाक्रम के कारण, राजनीतिक सफर के कारण ही उसकी बायोग्राफी हम लोग कवर करते हैं या उसके बारे में जानते हैं। तो आपको बता दूं कि 1969 में राघोगढ़ नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष चुने गए। 1969 आप समझ रहे हैं, 1969 से अपनी राजनीति एक तरह से पिच पर बने हुए हैं। मैंने तभी तो बोला है कि कई लोगों को ये आउट कर चुके हैं लेकिन अभी भी ये राजनीति में अपनी पिच बरकरार रखे हुए हैं। 1969 में ये राघोगढ़ नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष चुने जाते हैं। फिर आप देखेंगे 1977-1980 के दौरान भी गुना जिले के राघोगढ़ संसदीय सीट से सांसद सदस्य चुने गए, यानी कि लोकसभा सदस्य बनते हैं 1977 में, 1980 में। और उसके बाद आप देखेंगे कि 1980 में वे कृषि प्रबंधन, मत्स्य पालन, पशुपालन, सिंचाई और कमांड क्षेत्र के विकास मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री बनते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये सोनिया एक तरह से इंदिरा गांधी के साथ भी राजनीति कर चुके हैं, राजीव गांधी के साथ भी राजनीति कर चुके हैं, और आप देखेंगे सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ भी राजनीति कर रहे हैं। और आप समझ रहे हैं कि इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, आप समझ चल बसे और ये बरकरार है। 1984-1991 की अवधि में भी राजगढ़ से सांसद सदस्य चुने गए और 1985 में भी मध्य प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष नियुक्त होते हैं। और 1992 में मध्य प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बनते हैं और 1993 से लेकर सन 2003 की अवधि में भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। तो मुझे लगता है कि इतना सफल आप कह सकते हैं एक तरह से राजनीति में कोई आपको देखने को मिले, बड़ी बात है। 1969 आप समझ रहे हैं, इस व्यक्ति ने आप समझ सकते हैं कि इंदिरा गांधी के साथ भी काम कर चुके हैं, राजीव गांधी के साथ भी काम कर चुके हैं, सोनिया गांधी के साथ भी काम कर चुके हैं, राहुल गांधी के साथ भी काम कर रहे हैं। और अभी राहुल गांधी की शादी हो जाती तो आप समझिए राहुल गांधी के बच्चों के साथ भी मुझे लगता है काम करते रहते। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, आपको मजाक लगे माफ करिएगा। फिर आप 2003 में आप देखेंगे अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के महासचिव बनते हैं और 2013-2014 के आम चुनाव के लिए राहुल गांधी की अध्यक्ष वाली समिति के सदस्य बनते हैं। और आप देखेंगे 2015 में राज्यसभा की सिलेक्ट कमेटी के सदस्य बनते हैं और 2019 के दौरान लोकसभा दिग्विजय सिंह एक बार फिर संसदीय चुनावों में उतरते हैं भोपाल से, लेकिन आपने देखा होगा कि वे भोपाल से लोकसभा सदस्य का चुनाव हार जाते हैं। प्रज्ञा सिंह जो काफी विवादों में वो भी रहती हैं अपने बयानों के कारण, वो चुनाव जीत जाती हैं। और आप देखेंगे 2021 में मध्य प्रदेश से वो राज्यसभा सांसद बनते हैं, यानी कि वर्तमान में वो राज्यसभा सांसद हैं। और राज्यसभा सांसद आप जानते हैं राज्यसभा का जो सदस्य होता है वो आपके MLA यानी कि विधायकों के द्वारा चुना जाता है, लेकिन लोकसभा सदस्य हो चाहे आपका विधानसभा सदस्य हो, इन्हें डायरेक्ट जनता चुनती है आपकी। और आप अगर 18 साल के हो चुके होंगे तो आपके पास वोटर ID भी बन गई होगी और आप लोग इनके लिए वोट भी करने जाते होंगे। 2019 में भी आपने लोकसभा सदस्य का वोट डाला होगा लोकसभा सदस्य चुनने के लिए। और आपने मध्य प्रदेश के हैं आप लोग तो आप लोगों ने 2018 में यहाँ चुनाव में वोट डाला होगा विधानसभा के, ठीक है। अब बात करते हैं दिग्विजय सिंह की कुछ उपलब्धियां भी रही हैं, काम भी रहे हैं, क्योंकि इतने समय से अगर राजनीति में बने हुए हैं तो इनके कुछ और। मध्य प्रदेश में आप देखेंगे एक लंबे समय तक मुख्यमंत्री भी रहते हैं तो कुछ तो इनके काम रहे होंगे।
तो एक गांव के गरीब लोगों को ताकत देने के लिए सत्ता की डिसेंट्रलाइजेशन की अवधारणा को लेकर आए और इससे 52,000 ग्राम सभा स्थापित हुई और विभिन्न गतिविधियों को संभालने के लिए ग्राम सभा के लिए 8 स्थायी समितियां भी बनाई गई और सत्ता की डिसेंट्रलाइजेशन की अवधारणा को लाने के लिए उन्हें उनके काम को काफी सराहा भी गया और यहां तक कि ब्रिटिश हाई कमिश्नर सर रॉब यंग ने भी उनके काम की तारीफ की हुई थी। और आपको बता दूं कि सत्ता के विकेंद्रीकरण के पक्ष में गांधी जी भी थे और आप सभी को यह भी मालूम होगा कि अगर गांधी जी कुछ समय तक और जिंदा रहते, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 1948 में उन्हें उनकी हत्या कर दी जाती है, तो मैं ये कहता हूं कि आप देखिए कि संविधान में जो पंचायतों को जगह 1992-93 में मिलती है वो 1950 में ही मिल जाती, ठीक है। और इनके इनके कार्यकाल में आप देखिए मध्य प्रदेश में 26,000 से भी अधिक प्राथमिक स्कूल स्थापित किए गए, प्रत्येक गांव में 1 किलोमीटर की दूरी के अंदर प्राथमिक स्कूल, 3 किलोमीटर की दूरी के अंदर माध्यमिक स्कूल स्थापित किए गए और राष्ट्रीय जनगणना के अनुसार दिग्गी राजा के कार्यकाल के दौरान साक्षरता दर में 20.11% की वृद्धि हुई थी और यहां तक कि महिला साक्षरता में विकास दर 21% की दर्ज की गई थी और उस समय आप देखेंगे राष्ट्रीय औसत 14% था। तो आप कह सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में भी इनका काफी योगदान रहा है। और आप देखिए कि आप अगर किसी राज्य के मुख्यमंत्री बनते हैं तो कुछ तो काम आप लोग करते हैं, हर मुख्यमंत्री के ऐसा नहीं कि हर मुख्यमंत्री निकम्मा हो सकता है, कुछ ना कुछ काम तो जरूर करता है। और इन सब के अलावा आप देखेंगे राज्य में सन 1988 से लेकर 1989 में 16% कुपोषित बच्चे थे और जो सन 2002-03 में कम होकर 2.92 यानी कि 2.92% रह जाते हैं। यानी कि आप देखिए कि बच्चों के कुपोषित में यानी कि इनने काफी अच्छा काम किया और काफी पोषण उपलब्ध कह सकते हैं आप लोग उपलब्ध कराया, तो आप देख सकते हैं यहाँ भी उनका काम काफी सराहनीय है। अब बात आती है कि दिग्विजय सिंह से जुड़े विवादों की और जिसके कारण ये हमेशा चर्चा में रहते हैं। तो सन 1998 का मुलताई किसान नरसंहार भी काफी चर्चा में रहा है और इसी के कारण ये चर्चा में रहे। सन 1998 में एमपी पुलिस द्वारा एक वारदात की गई और जिसमें उन्होंने 19 से 24 किसानों को गोली मार दी थी और उस समय राज्य के मुख्यमंत्री पद पर थे कौन, दिग्गी राजा यानी कि दिग्विजय सिंह उस समय मुख्यमंत्री के पद पर थे जब ये नरसंहार हुआ। इसमें आप देखेंगे 19 से 24 किसान मारे गए थे और पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज ने उन्हें किसानों की गिरफ्तारी के लिए दोषी ठहराया था और एक तरह से आप कह सकते हैं कि आगे इनकी राजनीतिक जो हत्या हुई एक तरह से, क्योंकि आप देखिए आगे चल के इन्होंने चुनाव तो जीत नहीं पाए, तो आप कह सकते हैं कि इन्हें इसी का परिणाम भुगतना पड़ा। एक केस के कारण और चर्चा में रही सुनील जोशी मर्डर केस के कारण। सुनील जोशी आरएसएस की का एक कार्यकर्ता था जिस पर अजमेर दरगाह हमले में शामिल होने का आरोप था और 29 दिसंबर 2007 को उसका शव मध्य प्रदेश के देवास में पाया गया था और दिग्विजय सिंह जोशी की हत्या के मामले में सीबीआई से जांच करवाना चाहते थे। उन्होंने अपने विचार रखते हुए कहा था कि जोशी कुछ भी कुछ ज्यादा ही जानता था और इसलिए उसकी हत्या कर दी गई थी। तो इस हत्या के कारण भी ये काफी चर्चा में रहे और एक एक चर्चा का कारण इनका ये भी रहा है लादेन के शरीर के दफन का पर आलोचना। सन 2011 में आप देखेंगे अलकायदा के नेता थे ओसामा बिन लादेन को जब दफनाया गया था तब इनको इन्होंने उनके धर्म का सम्मान नहीं करते हुए उनकी आलोचना की थी, इसके चलते उन्हें विवादों में आना पड़ा था। तो मैं इसलिए तो कह रहा हूं कि ये आपका विवादों में एक तरह से ये आप कह सकते हैं कि चर्चा में रहने के कारण जानते हैं कि किस तरह से चर्चा में रहा जा सकता है। एक और आप देखेंगे चर्चा का कारण या फिर विवाद का कारण, बोध गया बम्बारी। सन 2013 में बोध गया बम्बारी के बाद श्री दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट किया था कि उस ट्वीट में उन्होंने भाजपा को इस बम्बारी के साथ जोड़ते हुए आलोचना की थी और इस विवादित बयान के चलते उन्हें कई विवादों का सामना भी करना पड़ा था और कई लोग आप देखेंगे इन्हें कांग्रेस की इतनी बुरी हार हो रही कई राज्यों में तो इसके लिए इन्हें भी जिम्मेदार ठहरा देते हैं, विवाद इस पर ट्वीट भी करते रहते हैं। आरएसएस के एक स्थानीय वकील एवं स्वयंसेवक ने उनके एक विवाद इस पर ट्वीट जिसमें उन्होंने लिखा था कि बच्चा बच्चा राम का
राघव जी के काम का के कारण शिकायत दर्ज की थी। यह तब ट्वीट किया गया था जब राज्य के फाइनेंस मिनिस्टर को यौन शोषण के आरोप में अरेस्ट किया गया था। और अभी हाल ही में आप लोगों ने एक और देखा होगा, इन्होंने जम्मू कश्मीर को लेकर भी एक तरह से एक बयानबाजी की हुई थी और उस बयानबाजी की काफी आलोचना की गई। इन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो हम इस पर विचार कर सकते हैं या फिर 370 को दोबारा ला सकते हैं, इस तरह का इनका बयान था, तो उसको लेकर काफी आलोचना की गई। एक और इनका विवाद का कारण बटाला हाउस मुठभेड़, ये क्या था, ये जुलाई सन 2011 की घटना है। इन्होंने आरएसएस पर उनकी कार्यकर्ता को बम तैयार करने के लिए प्रशिक्षित करने का आरोप लगाया था और उन्होंने पत्रकारों को आश्वासन दिया था कि उनके पास 2 VHP और आरएसएस कार्यकर्ताओं के वीडियो क्लिप हैं। उन्होंने यह भी दावा किया था कि बटाला हाउस में जो मुठभेड़ हुई थी वह नकली थी। तो आप देख सकते हैं इसके कारण भी, एक आपने देखा होगा महिला सांसद के बारे में उन्होंने टिप्पणी की हुई थी तो इस पर भी काफी ये चर्चा में रहे। मंदसौर की एक कांग्रेस सांसद थी मीनाक्षी नटराजन, इनके खिलाफ उन्होंने गंदी टिप्पणी के कारण उन्हें कई लोगों की आलोचना का शिकार भी होना पड़ा। किन्हें, दिग्विजय सिंह को। फिर आप देखेंगे मुस्लिम युवाओं को कट्टरपंथी बनाने का विवाद भी से भी काफी जुड़े हुए हैं। मई 2017 की शुरुआत में तेलंगाना पुलिस ने उनके द्वारा किए गए एक ट्वीट पर शिकायत कर दिग्विजय सिंह के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया था और इस ट्वीट में उन्होंने कहा था कि तेलंगाना पुलिस ने पुलिस मुस्लिम युवाओं को कट्टरपंथी बनाने के लिए नकली आरएसएस वेबसाइट बनाई है, तो इसके कारण भी ये चर्चा में रहे हुए हैं। अब जिसके कारण मैंने बताया था, दिग्विजय सिंह और अमृता राय, इन दोनों ने आपने देखा है कि आगे चल के शादी भी करते हैं तो इनकी लव स्टोरी के कारण भी काफी चर्चा में रहते हैं। ये बात है सन 2014 में राज्यसभा टीवी एंकर अमृता राय के साथ इनके संबंध थे और इस बात की उन्होंने पुष्टि भी की थी। दरअसल कुछ महीनों से सोशल मीडिया में दोनों की व्यक्तिगत तस्वीरें पोस्ट की जा रही थी जो कि दोनों के प्रेम संबंध को दर्शाती थी और सूत्रों के मुताबिक दिग्विजय सिंह अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद अमृता सिंह के करीब आ गए थे और वे दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। उनके बच्चों को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने इसका विरोध भी किया था। कुछ समय तक उनके बेटे ने उनसे बात भी करना भी छोड़ दिया था। अमृता सिंह ने दिग्विजय सिंह की सारी संपत्ति को उनके बेटे के नाम करने को कहा और वे अपनी दूसरी पत्नी के साथ रहते हैं। अमृता राय एक हिंदू परिवार से संबंध रखती हैं और आप देख सकते हैं कि एक तरह से ये भी राज्यसभा सांसद थे और वो भी राज्यसभा में टीवी एंकर थी, तो आप समझ सकते हैं कि नजरें मिली और जो भी अब आप समझ रहे हैं कि सामने भी है, तो आप समझ सकते हैं कि दिग्विजय सिंह चर्चा में क्यों रहते हैं। इनके आप देखिए करियर में या जिंदगी के कोई भी पहलू उठा के देखिए, हर जगह ये दिलचस्प काम करते रहे हैं और आने वाले समय में क्या करते हैं उसके लिए आप लोग न्यूज़पेपरों से जुड़े रहिए, टीवी चैनलों से जुड़े रहिए और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहिए, क्योंकि आगे आने वाले समय की भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। अभी तक जो भी घटनाएं घटी हैं उनके बारे में हम लोग एक विस्तार से खाका तैयार कर चुके हैं और देख भी चुके हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है किसी और के बारे में भी बात करनी चाहिए तो आप लोग बताइएगा, उसके बारे में भी हम लोग विस्तार से बात कर लेंगे, ठीक है।